हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 डेटा हैंडलिंग एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। द स्कोर्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25 और 15 स्टूडेंट्स इज एज फॉलोज। हमें सभी बच्चों के 25 में से कितने कितने मार्क्स हैं वो दे दिया है। ये 15 बच्चों के मार्क्स हैं। सो फर्स्ट स्टेप, वी विल अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। हमने सभी बच्चों के मार्क्स को असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़े नंबर्स में अरेंज कर लिया। तो जब भी हमें मोड या मीडियन पूछा जाएगा, वी विल ऑलवेज अरेंज द डेटा, फर्स्ट स्टेप। सेकंड, फाइंड द मोड। नाउ वी नो दैट मोड इज द वैल्यू विच अकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। तो इनमें से हमने क्या देखा, दैट 20 अकर्स मैक्सिमम टाइम्स। 20 हमारे पास 4 टाइम्स आ रहा है। देयरफॉर यू विल जस्ट राइट दैट मोड इज इक्वल्स टू 20 बिकॉज इट अकर्स मैक्सिमम टाइम्स, क्योंकि ये सबसे ज्यादा टाइम आ रहा है इसीलिए। सेकेंड, फाइंड द मीडियन ऑफ दिस डेटा। नाउ वी नो दैट मीडियन इज द मिडिल मोस्ट वैल्यू। तो हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 15 है। सो वी कैन यूज द फॉर्मूला फॉर ऑड नंबर्स। यहाँ पे द डेटा इज ऑफ 15 वैल्यू, 15 लोगों के बारे में बात हो रही है। सो इट इज एन प्लस 1 बाय 2th टर्म। एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म इज द मीडियन। अब इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे एन कितने हैं, 15 ऑब्जर्वेशन है। सो मीडियन क्या होगा, दैट इज 15 प्लस 1 बाय 2th टर्म, दैट इज 15 प्लस 1 16 अपॉन 2, यानी कि जो 8th टर्म है वो क्या होगी, दैट इज द मीडियन। तो हम काउंट करते हैं आफ्टर अरेंजिंग दिस, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो दिस इज द 8th टर्म, that is 20. So median is equals to, so median of the given information or data is 20. So in this case mode is 20 as well as median is 20. Thank you.